वानी को सी ऑफ कर दिया है, तो अब जा रहे हैं घर पे गांव में। ये देखिए ये अपने शहर का व्यू है मेरठ का। मिलते हैं आपसे आगे जाके, क्योंकि अभी सुबह सुबह इसलिए निकले हैं कि ठंडा मौसम भी है और इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं होगी, वरना ट्रैफिक इतना हो जाता है बहुत निकलना मुश्किल हो जाता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे एक ब्रेक के बाद। ये गए हैं अभी बाहर की साइड, तो थोड़ा सा गाड़ी को यहाँ पे मतलब रोका है अभी कुछ काम के लिए, तो और हम सुबह वहाँ से 7 बजे चलते, 7:30 साढ़े 6 बजे निकल लिए थे। तो कोई भी क्लिप नहीं है और स्टार्टिंग तो वीडियो की इन्होंने करी दी है आपको पता ही है। तो अभी ये गए हैं साइड, तो यहाँ पे क्या है कि कोई ट्रक मतलब नहर में गिर गया है, तो उसको देख रहे हैं हम सभी लोग खड़े होके। तो पता नहीं रात में गिरा है कैसे गिरा है, तो काफ़ी बुरा मतलब एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बुरी हालत हो रही है उसकी। पता नहीं मतलब जो भी गिरा है उसकी मतलब पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, तो वही देखने गए हैं ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो और मेरी आंखें ना बिल्कुल ऐसे सूज रही है, 2 दिन से रात में नींद नहीं आ पा रही है, मत सोने बुरा हाल कर रखा है यार, तो 2 दिन से नहीं सो पा रही हूँ, तो आंखें काफ़ी सूज रही हैं। तो अभी यहाँ पे गाड़ी रुकी है, तो थोड़ा सा अभी मैं जाती हूँ, तो चौकी है यहाँ पे पुलिस चौकी है, यहाँ पे रुका है गाड़ी को वैसी। तो दोस्तों एक एक्सीडेंट हो गया है और ये देखिए ये पूरा इस नदी में गिर गया है, ये देखिए पता नहीं किस तरह गिरा है। और ये मंदिर है सपनावत वाले, और ये इधर रास्ते से हम आए थे, अब चलते हैं गांव रह गया थोड़ा पास में ही। और 8 बजे का समय हुआ है दोस्तों, 15 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। और ये अपनी गाड़ी खड़ी है, चलिए चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा वो गिरा हुआ है ट्रक, पता नहीं कैसे गिर दिया ड्राइवर ने, रात को नींद नींद के। तो फ्रेंड्स मैं मिल रही हूँ अब आपको दोपहर के टाइम, तो 2:30 बज गया है, और 2:30 बजे क्या है कि रात मतलब 2 दिन से नहीं सो पा रही, तो आके पहले नहाना धोना पोछा झाड़ू किया घर पे, उसके बाद फिर मतलब जो काम निपटा के फिर सो गई थी। तो अब मैं उठी हूँ 2:30 बजे उठी हूँ, और उसके बाद आपसे मिल रहे हैं खाना, और पता है खाना भी नहीं खाया मैंने, खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, नींद के आ गया खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसमें क्या पहले भाई बस सो जाऊँ उसके बाद करूँगी मतलब जो भी काम करना है खाने पीने का। तो इन्हें तो मैंने दे दिया था, लेकिन मैंने अब खाना खाया उठने के बाद, और इन्वर्टर जो था वो बोल गया है कि 4-5 पंखे चल रहे थे, तो मतलब इन्वर्टर ख़त्म हो गया, तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। तो अभी और पता है क्या हुआ कि जो मैंने रास्ते में आपको दिखाया था उसमें क्या है, कोई रात में एक्सीडेंट हुआ था, कि जो वो अब पता नहीं बेचारा मतलब वो कैसे हुआ होगा, और पूरा जो लंबा ट्रक होता है वो मैंने आपको दिखाई दिया है, तो वो पता नहीं कैसे पलटा है कैसे नहीं, रात में पलटा है या दिन में पलटा है। तो जैसे आया मैं हम आ रहे थे तो हमने देखा रास्ते में, तो हमने सोचा चलो आपके साथ एक बार देखते हैं दिखाती हूँ आपको साथ शेयर करते हैं कि भाई देखो कितनी मतलब बुरी कंडीशन हो रही है। तो भाई आराम से चलना चाहिए, जो भी ड्राइविंग करते हैं बहुत आराम से करो, क्योंकि बहुत ये ख़तरनाक वाली चीज़ होती है कि रात में ड्राइविंग करना या जैसे भी करना, लेकिन ये तो अच्छे से करनी चाहिए। पता नहीं उसके साथ बेचारे के साथ क्या हुआ होगा कैसे हुआ हुआ, तो बड़ा डर मतलब एकदम ख़तरनाक वो था, देखने में भी मतलब डर लग रहा है कि भाई कैसे हुआ।
तो वो ही मैंने दिखाया आपको। तो काफी बुरा मतलब एक्सीडेंट हो रहा था, काफी मतलब डर भी लग रहा है देख के एकदम से, तो वो लग रही थी मैं पता नहीं भाई क्या हो गया होगा। तो मैं यहाँ पे अब आई, आके नहाना धोना हुआ तो आज पता है मैंने ये वाली कुर्ती पहनी, और ये इसका कपड़ा जो बहुत सॉफ्ट है मतलब काफी सॉफ्ट कपड़ा है, कोई गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो बाहर काफी तेज धूप हो रही है, देखो दिख भी नहीं रहा है। और आदि को बिठाते हैं पढ़ने के लिए, काम बैठक में है तो उसको बुलाती हूँ और उसको बिठाते हैं पढ़ने के लिए, और उसके बाद मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी लोग चावल खा लीजिए, तो मैंने चावल बना लिए हैं। तो ये थोड़े से जैसे कुकर में बनाए हैं तो मतलब घुट गए हैं, और यहाँ ये कढ़ी ली है तो कढ़ी चावल सो टेस्टी। हाँ काफ़ी अच्छे लगते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे बेटे को भी। लेकिन दिक्कत क्या है कि मुझे मतलब नुकसान देते हैं, सर दर्द कर देते हैं। देखो ये नेल पेंट मैंने लगाई थी न्यू, बाकी तो छोटे खा छोटे। लिए भाई, मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी, एक आम ले लिया है मैंने, तो इसका बना रहे हैं मैंगो शेक। और चीनी डल गई है, दूध ले लिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दूध डाल रही हूँ इसमें, और दूध डालने के बाद थोड़ा सा ही डाला है, वैसे दूध ज़्यादा नहीं डाला है। तो उसके बाद मैंने मिक्सी को चला दिया है। तो आदि तो पीने वाला है नहीं जूस, तो हम अपने लिए बना रहे हैं, मतलब मम्मी है, मैं हूँ, ये हैं, तो हम तीनों मतलब चारों ले लेंगे। तो ये देखिए हल्का सा, वैसे पहले पहले थोड़ा सा इसमें दूध डाला और चीनी डाल दी थी, तो वो ये देखिए बन गया है, थोड़ा थिक हो गया है। तो उसके बाद इसमें मतलब डालना है दूध और चीनी, थोड़ी सी और डालूंगी, और उसके बाद आइस क्यूब डालनी है जिससे ठंडा हो जाएगा। तो ये देखो मेरा जूस मतलब बन के तैयार हो गया है। तो अब इसमें थोड़ा दूध देखिए और डाल दिया है। अब इसमें दूध डालने के बाद, आइस क्यूब डालने के बाद, तो ये भी चीनी भी डाल दी है, इसको भी ऐड कर दिया है इसमें। तो मेरे जूस बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद मैं मम्मी आदि को सबको मतलब दे दूँ, आदि तो नहीं लेने वाला यार, फिर हम ही पियेंगे। तो मैंने यहाँ पे दोबारा मिक्सी को चला दिया है। के खाने की तैयारी कर रहे हैं, तो टमाटर वगैरह कट कर लिया, प्याज काट रही थी तो उन्होंने मेरे को रुला दिया है बिल्कुल, तो प्याज कट कर लिया। तो अभी खाने में बना रही हूँ, आज दाल बना रही हूँ मसूर वाली। सुबह में आलू बैंगन तो मैंने कल बनाया था, तो कल आज बनाई थी कढ़ी चावल, वैसे आलू बैंगन कल बनाए थे वो भी यूज हुए हैं। तो अभी यहाँ पे देखो मैंने ये टमाटर काट लिया है, काफी सारे टमाटर लिए, और अभी इसमें सीटी भरी नहीं है, और यहाँ पे दूध रख दिया है गर्म करने के लिए, तो दूध हो रहा है। तो शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ अभी तो। और देखिए ये बचाया है फ्रिज पे, तो इसको भी न्यू लेके आए हैं, तो ये फ्रिज पे बिछा दिया है हमने। और ये कैसा लग रहा है जोड़ा आपको, ये देखो फ्रिज पे रखा हुआ। तो इसपे इसमें से थोड़ा सा काट के फिर मैंने यहाँ जाली पे भी लगा दिया है, तो यहाँ का ये मेरा गंदा हो रहा था बहुत ज्यादा, वही हो जाता है ना धूल मिट्टी में, तो काफी गंदा हो रहा था, तो मैंने उसको चेंज कर दिया। और शाम के देखो 6 बज चुके हैं शाम के, तो खाने की तैयारी कर रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा चलो ब्लॉग का एंड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स शाम का टाइम हो गया है,
और ब्लॉग जो ब्लॉग का हम एंड करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, और अगर फ्रेंड्स चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी न्यू आते हो, और वीडियो को लाइक से कमेंट्स कीजिएगा। तो कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।